दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी ने शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया, जिससे पहले आपको बता दें, इससे पहले शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। केजरीवाल पिछले 87 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद है। हालांकि उन्हें 10 मई से 2 जून तक यानी 21 दिन के लिए पैरोल मिली थी। दरअसल सीबीआई ने केजरीवाल को बुधवार सुबह राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहाँ एजेंसी ने उनकी गिरफ्तारी की। सीबीआई ने 25 जून को रात 9 बजे तिहाड़ जाकर शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल से पूछताछ भी की थी। नए मामले में गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका वापस ले ली है। लोअर कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें 20 जून को जमानत दे दी थी। ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची थी ईडी इसके खिलाफ 25 जून को हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट का फैसला पलट दिया। Thank you.